हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। आज हम बात करेंगे बालसम यानी गुल मेहंदी प्लांट के बारे में, जो कि एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स देता है। डिफरेंट कलर्स में आता है और सीड से आप बहुत आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अब बालसम यानी गुल मेहंदी का सीज़न आ चुका है और अब आप इनको सीड से ग्रो कर लीजिए। ये सीड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और लोकल नर्सरी में भी इसके सीड्स के पैकेट्स मिल जाते हैं, या इनके प्लांट्स भी आप नर्सरी से ले सकते हैं। लेकिन सीड से ग्रो करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लांट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आपको ढेर सारे फ्लावर्स भी उन पर मिलेंगे। तो वैसे तो आप इसको स्प्रिंग सीजन से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनको स्प्रिंग सीजन से ग्रो करते हैं, इस पर एक वीडियो भी हमने शेयर की थी, तो इनकी जो लीव्स हैं वो वाइट होने लगती हैं, तो उसमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो रही होती है तो हमारे यहाँ पर ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ इनको ग्रो करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मई से इनको ग्रो किया जाए। तो मई से इनको सीड से ग्रो किया जाए तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है और हमें ये ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इनको सीड से ग्रो करते हुए आ रहे हैं। तो अब इनके सीड्स इतने ज़्यादा सॉइल में बिखर जाते हैं जब तैयार होते हैं, तो जब सीज़न आता है तो ये किसी ना किसी प्लांट के पॉट में अपने आप से ही ग्रो हो जाते हैं। तो एक पैशन फ्लावर के प्लांट में ग्रो हो रखा है और ऐसे ही कोचिया के प्लांट्स हमने आपसे शेयर किए थे, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। ये भी हमें बिना ग्रो किए ही काफ़ी सारे कोचिया के प्लांट्स मिल जाते हैं और इतने ज़्यादा थे कि इनको अभी हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाए और ये इसी छोटे पॉट में ग्रोथ करते गए हैं। और ये कुछ प्लांट्स बालसम के फिर से हैं। इनकी जो लीव्स है इनसे इनकी वैरायटी का पता चल जाता है। जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा पिंक कलर का जो फ्लावर है, उसकी जो लीव्स हैं थोड़ी पॉइंटेड होती हैं और लंबी होती हैं, ये थोड़ी गोल सी रहती हैं इसकी पत्तियां, तो ये रेड या मेजेंटा शेड वाला बालसम है। इससे इनकी पहचान हमें बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये कुछ प्लांट्स यहाँ पर थर्मोपॉट में ग्रो हो गए हैं, क्योंकि सीड सॉइल में बिखर ही जाते हैं और कभी ना कभी सीज़न आने पर ही अपने आप से ही ग्रो हो जाते हैं जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है। ऐसे ही हमारे कुछ और प्लांट्स हैं जो कि आपसे शेयर करेंगे। ये कोचिया यहाँ पर देखिए अपने आप एक प्लांट ग्रो हो गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। और यहाँ पर कुछ अलाइसम जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, उसके सीड्स भी ग्रो हो गए हैं, जो कि हमें रेनी सीजन में जाकर फ्लावर्स देते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने फ्लावरिंग की थी रेनी सीजन में। और ये टायर प्लांटर जो था उसमें ऐसे ही कुछ सीड्स हमने ऐसे ही बिखेर दिए और अब वो सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, जिसमें कई तरह के प्लांट्स हैं। इसमें मैरीगोल्ड यानी गेंदा भी है और छुई मुई के छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो छुई मुई का भी अभी सीज़न है, अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सीज़न है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा 100%। बस हल्की नमी मिट्टी में बनाकर रखिएगा। मैरीगोल्ड जो कि फ्रेंच मैरीगोल्ड है, उसके सीड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, और एक येलो वाला मैरीगोल्ड भी था, तो उन सभी के सीड्स यहाँ पर जर्मिनेट हो चुके हैं। बस हल्की नमी मिलना चाहिए तो सीज़न आने पर कोई भी सीड हो अपने आप जर्मिनेट हो जाता है। और यहाँ पर तुलसा जी का पौधा भी एक दो आ रखे हैं, जो कि काली तुलसा जी हैं, और कुछ और सीड्स भी यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। और ये बद्री तुलसा जी हैं, जो कि हमने आपसे वीडियो में शेयर किया हुआ ही है। बद्री तुलसा जी भी सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, तो यहाँ पर सीड्स गिरते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक अपराजिता का प्लांट अपने आप से ग्रो हो गया है। तो जब आप एक बार कोई भी सीड ग्रो कर लेते हैं, उससे प्लांट तैयार होता है, फिर उससे फ्लावर बनते हैं और फिर उनसे सीड्स बनते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर अपने आप ही उनके प्लांट्स आपको गार्डन में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब सीड्स बिखर जाते हैं तो वो अपने आप सीज़न आने पर जर्मिनेट हो जाते हैं। रे लिली के जो वेस्ट प्लांट्स हमने तैयार किए थे प्लांटर्स, उनमें भी पॉली बैग्स में देखिए सभी में एक दो हमें रेनी लिली का फ्लावर मिल ही जाता है। और ये क्यूका मेलन जो आपसे शेयर किया था, वो तो हर प्लांट में हमारे यहाँ ग्रो हो चुका है, क्योंकि वो काउडंग यानी गोबर की खाद से हमारे यहाँ तक एक बार पहुँच गया था और अब हर प्लांट में वो ग्रो हो गया है और इस पे छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं। तो हमने कुछ प्लांट्स को रहने दिया है कुछ पॉट्स में। और ये जो एक लास्ट ईयर का हमने अपराजिता का प्लांट जो सेव करना आपसे शेयर किया था, उस पर भी देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर खिला हुआ है। इसको ज़मीन में लगाना है, क्योंकि दो प्लांट्स हमारे पास ब्लू एंड वाइट ऑलरेडी बड़े पॉट में लगे हुए हैं लास्ट ईयर के ही। इस बार कोई सीड से नहीं ग्रो किया था, एक अपने आप ग्रो हो गया, जो कि आपसे शेयर भी किया अभी। और कॉस्मोस की तरह ही एक फ्लावर होता है कोरियोप्सिस, जो कि हमने ये बहुत साल पहले ग्रो किया था, लेकिन हमारे गार्डन में ये अपने आप अब ग्रो हो जाता है और इस पे फ्लावर्स भी हमें मिल जाते हैं। तो इसका जो फ्लावर है वो बिल्कुल कॉस्मोस के जैसा ही होता है, लेकिन इसके सीड्स कॉस्मोस के जैसे नहीं होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारे यहाँ ग्रो हो चुका है और हमें फ्लावर्स दे रहा है। तो अभी बिल्कुल सही समय है, बालसम के सीड्स ग्रो कीजिए और आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।